बहुत तेज गति पे थी गाड़ी। अच्छा, आप लोग उसको हिट किया है? कई बार उसको बोला हमने, और उसका कुलिंजर दारू भी पिए था, लगा वो भी दारू पिए होगा। हमें नहीं मिले ये लोग कोई। आप कहाँ से बैठते गाड़ी? इंदौर से। ये मेरा अंदाज है वही 6 के लगभग। 6 के लगभग होगा। घटना का कारण आपके अनुसार क्या रहा होगा? हमें तो लगता है कि ये दारू के नींद में टर्न में से नहीं सारी गाड़ी टर्न है ना बिल्कुल। आज सुबह लगभग 6 बजे निवार घाटी पर शाहगढ़ की ओर गोल्डन कंपनी की बस MP16 P1286 तेज रफ्तार में होने के कारण अनियंत्रित होकर मोड़ पर फिल्मी स्टाइल में पलटी और पलटी खाकर जा गिरी। सवारियों से पूर्ण रूप से भरी यह बस इंदौर से छतरपुर जा रही थी। शाहगढ़ के पहले निवार घाटी पर बस पलटी जिसमें 4 लोगों के मरने की पुष्टि के साथ 2 दर्जन से अधिक घायल हैं, जिसमें 14 लोगों को गंभीर घायल होने पर रेफर किया गया है। घटनास्थल से बस में से मरीजों को निकालने में स्थानीय प्रशासन एवं लोगों ने बड़ी जहोजहात करके क्रेन की मदद से निकाला और 108 की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहगढ़ एवं बंडा पहुंचाया गया। शाहगढ़ अस्पताल में समूचे स्टाफ डॉक्टर अमित असाडी, BD साहू, डॉक्टर योगेश सोनी, निर्मला, सबिता, शिखा, प्रियंका, किशनलाल, उमा साहू, राजा राम, प्रमोद सहित समूचे स्टाफ का सराहनीय सहयोग रहा। वहीं बड़ी दुर्घटना होने के कारण जिले के अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों का घटनास्थल पर शाहगढ़ का दौरा हो रहा है। तो हम लोग लेटे हुए थे, एकदम से झटका लगा तो देखा तो पूरी बस पलट चुकी थी। मतलब हम नीचे थे, मतलब मैं ऊपर वाले लोअर पे था और मेरा ये वाला पैर फंसा हुआ था और वहाँ पर 2-3 लोग और भी फंसे हुए थे। फिर मेरा ये दोस्त के साथ में ही हम लोग छतरपुर में हैं और रहते हैं और इंदौर से हम दोनों यहाँ रहे, तो इसने आवाज़ दी तो फिर मैंने देखा तो फिर हम दोनों जन खिड़की से बाहर निकले, फिर एम्बुलेंस को कॉल किया। अभी ने किया कॉल? हाँ, अभी ने किया था कॉल। तो फिर एम्बुलेंस वगैरह आई, फिर एम्बुलेंस के साथ हम लोग आए, इसने बस में अंदर जाके 4-5 लोगों को निकलवाया। अभी शक्ति नहीं थी निकालने की। आप जाग रहे थे? मैं जा ही रहा था और स्पीड बहुत ज़्यादा थी गाड़ी की, मतलब जो नॉर्मल बसें चलती थी उससे काफ़ी ज़्यादा स्पीड में थी। और जो समझ में आया देख के उस समय कि ये संभाल नहीं पाया टाइम पे गाड़ी को, ड्राइवर जो भी थे संभाल नहीं पाया, गाड़ी पलटी खा गई। ड्राइवर घायल है क्यों? खराब है नहीं, ड्राइवर के साथ जो एक और क्लीनर साथी वो तो आ गए हैं यहाँ पे हॉस्पिटल में, और बाकी 2 लोग वहीं दिखे थे मुझे वहाँ, तो उनको भी काफ़ी चोट थी, खून था पूरे शरीर पे, तो वहाँ से यहाँ पे आए या बंटा का गोली पता नहीं। इंदौर से बस आ रही थी, हम लोग स्लीपर में थे और अचानक पता नहीं कहाँ पर पलट गई गाड़ी बस। अचानक से ही पलटी है? हाँ, हम लोग सो रहे थे, अचानक से सिर्फ थोड़ी हलचल हुई तो नींद खुली, पता चला कि हम लोग उसके अंदर दब गए थे, फिर निकाला लोगों ने। बाकी वो बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है बीला के पास निवार घाटी पे, उस बारे में बता दीजिए। लगभग 6:15 बजे की घटना है। मैं एक्चुअली इमरजेंसी ड्यूटी पर था, तभी 108 एम्बुलेंस द्वारा आहत लड़ों को लाया गया और गोल्डन ट्रांसपोर्ट बस कोई एसी बस है इंदौर से छतरपुर, निवार घाटी के पास एक्सीडेंट हुआ है। लगभग अभी तक आहतगढ़ आते जा रहे हैं और लगभग उसमें से 19 लोग आए हैं अपने यहाँ पर, जिसमें से 14 लोग रेफर हुए हैं और एक की इलाज के दौरान एक महिला की मृत्यु भी हुई है। सर जानकारी मिली कि 2 और मतलब मौतें हुई? हाँ, ये जानकारी तहसीलदार साहब द्वारा दी गई है, लेकिन अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ, लगभग मॉर्चरी में बताया गया कि उनके शव भेजे गए हैं। सर आज ड्यूटी किन डॉक्टर साहब की थी? ड्यूटी ऑन पेपर डॉक्टर SK मन के लिए की थी, तो वो मेडिकल पर हैं और हमारे यहाँ लगभग 2-3 डॉक्टर अटैच हैं, बाकी तो मैं अकेले ही हूँ यहाँ पर। मैं लगभग 2-3-4 दिन से ड्यूटी कर रहा हूँ, तो उनका मेडिकल आ गया था, तो कोई भी डॉक्टर नहीं है, मेरे द्वारा ही सभी का इलाज किया जा रहा है 3-4 दिन से।